दो देश, दो खबर, दो दंगे, लेकिन सोच एक, एक ही वजह और दंगों का तरीका भी एक ही। आज बात दिल्ली दंगों पर लिखी किताब दिल्ली रॉयट्स 2020 द अनटोल्ड स्टोरी की करेंगे, जिसमें दंगों पर कई बड़े खुलासे किए गए हैं। वही किताब जिसको लेकर के आपको याद होगा हमने चर्चा की थी, जिस किताब को लिखने से कॉन्ट्रैक्ट के बाद प्रकाशक ने रोक दिया था, ये कहते हुए कि नहीं इसमें समुदाय विशेष का नाम आ सकता है, इसमें कुछ ऐसे तथ्य है, बिना पढ़े बिना किताब के आए किताब को डिजिटल दंगा करके रुकवा दिया गया था। किताब के मुताबिक दंगे पूरी तरह से सुनियोजित थे, ये किताब कहती है। देश और हिंदुओं के खिलाफ दंगों की साजिश रची गई, दंगों में आम लोगों और पुलिस वालों को निशाना भी बनाया गया। और अब बात एक और दंगे की करते हैं जो भारत से हुआ तो करीब 6,500 किलोमीटर, लेकिन वो भी पूरे तरीके से फिक्स नजर आता है, स्वीडन के मालमो शहर का दंगा, जो स्वीडन का शहर आग की तरह जल गया, बिल्कुल जैसे बेंगलोर में वो आग दिखी थी। देश और दंगा भले ही अलग हो, लेकिन ये दंगा दिल्ली दंगों से अलग नहीं था। वैसी ही भीड़ निकली, भीड़ को भड़काया गया, धार्मिक नारेबाजी हुई, आग लगाई गई और आम लोगों को ही नुकसान पहुंचाया गया, पुलिस वालों को हमला किया गया, सब कुछ एक जैसा। तो आज की बड़ी बहस 10 बजे की इन्हीं सवालों के साथ कि दिल्ली से स्वीडन तक क्या दंगों का मॉडल एक है? तो दिल्ली से स्वीडन तक दंगों का मॉडल क्या एक है, बहस की शुरुआत करें। उससे पहले आपको बता दें, दिल्ली दंगों पर जो किताब लिखी गई है उसमें आखिरकार कहा क्या गया है, जिसे पूरे तरीके से कोशिश की गई एक लॉबी द्वारा कि वो किताब छपे ही ना, बाहर ही ना आए, कि एक तो दिल्ली दंगा हिंदुओं के खिलाफ साजिश थी, दिल्ली दंगा भारत के खिलाफ था, दिल्ली दंगा मोदी सरकार के खिलाफ था, दिल्ली दंगा पुलिस के खिलाफ था, दिल्ली दंगा हिंदू आस्था का अपमान था और दिल्ली दंगा पाकिस्तान जिंदाबाद के वहां पर बाकायदा नारे भी लगे। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ सोनाली चितालकर हैं जो कि लेखिका हैं, जिन्होंने इस किताब को लिखा है, को-राइटर हैं दिल्ली राइट्स 2020 की। महेश खान हैं राजनीतिक विश्लेषक, चरण चुग राष्ट्रीय सचिव बीजेपी के हमारे साथ हैं, डॉक्टर असगर अली खान वकील हमारे साथ हैं, आचार्य अंकुर आर्या हैं सत्य नरातन संस्थान से और शहजाद पूनावाला हैं राजनीतिक विश्लेषक। सबसे पहले सोनाली, मैं आपसे ही जानना चाहता हूं, उन लोगों ने जिन्होंने किताब को बिना पढ़े आपकी किताब को ट्रोल करके प्रकाशक तक सुनियोजित तरीके से एक बात पहुंचा करके ये कोशिश कर ली थी कि किताब बाहर ही ना आए, ना जाने इसमें कौन सा ऐसा खुलासा हो सकता, इस किताब में ऐसा क्या था, उस वक्त मैं पूछता था, अब भी मैं दोबारा पूछता हूं, इस किताब से ऐसा क्या खुलासा है कि उस लॉबी को डर लगता था कि उसका धंधा चौपट हो जाएगा? इस किताब में बेसिकली जो एक नरेटिव खड़ा किया गया था दिल्ली राइट्स के बारे में, उसको हम लोगों ने क्वेश्चन किया है और बिल्कुल ऑन द बेसिस ऑफ ग्राउंड रिसर्च, ऑन द बेसिस ऑफ ग्राउंड रिसर्च हमने उस नरेटिव को डिमोलिश किया है। तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि बिना पढ़े बिना जाने कि इसमें क्या है, जो एक लॉबी जो हर्ट हो रही थी इस नरेटिव के डीकंस्ट्रक्शन से, उन्होंने इस किताब को बहुत बुरी तरह से सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे बहुत बुरी तरह से ट्रोल किया विदाउट रीडिंग, विच इज रियली एस्टॉनिशिंग, और पूरा एक कैंपेन चलाया, ब्लूम्सबरी यूके पे प्रेशर डाला गया और उस प्रेशर के वजह से फिर हमारी बुक नंबर 1 बेस्ट सेलर थी ऑन प्री ऑर्डर, वो डी प्लेटफॉर्म करी गई। आचार्य अंकुर, आपको क्या इसमें क्या ये समानता नजर आती, क्या ये कोइंसिडेंटल है कि दिल्ली में दंगे होते हैं ट्रंप के आने से पहले, कि एक ऐसा संकेत दिया जाए, सुनियोजित तरीके से बात आती है लेकिन इसे दबाया जाता है कि ये सुनियोजित तरीके की बात सामने ना आए? बेंगलोर में भी ऐसा होता है, फेसबुक पोस्ट का माध्यम लिया जाता है, सुनियोजित है लेकिन सुनियोजित वाली बाहर सामने ना आए, और स्वीडन तक अगर मैं लिए चलता हूं तो स्वीडन में भी यही होता है कि कुरान के खिलाफ वाली बात आती लेकिन सुनियोजित है ये बात सामने ना आए, ये कौन सी लॉबी जो इतनी कनेक्टेड है? सचिन भाई, ये लॉबी तो हजारों साल से काम करती आ रही है, लेकिन अगर हम ये कोशिश बहुत करते हैं कि इस चीज़ को हम छिपा सकें, चाहे आप दिल्ली देखिए, बेंगलोर देखिए, चाहे फिर आप स्वीडन देखिए, चाहे आप फ्रांस देखिए, कहीं पर भी चले जाइए, आपको जो मॉड्यूल है वो ज्यों का त्यों एक का एक लगता है। इसके पीछे थोड़ी सी केस स्टडी करने की आवश्यकता है और बहुत ज़्यादा इसके डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप ये देखिए कि शुरुआत कैसे होती है, पहले वहां पर एक रोना रोया जाता है कि हम मारे जा रहे हैं, हम शरणार्थी, हमें शरण दीजिए, उनको शरण दी जाती है। थोड़े दिनों के बाद में फिर वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनकी भावनाओं को आहत करते हैं, वो लोग उसकी जड़ में जाने का प्रयास करते हैं, जहां से ये जो हिंसा है, मैं नंबर्स बताना शुरू करूंगा तो फिर लोगों की भावनाएं आहत हो जाएंगी।
वहां पर जब व्यक्ति कोई भी जाता है, और देखिए अभी आप जो स्वीडन की बात कर रहे हैं, वहां पर एक जो दक्षिणपंथी पार्टी थी उसके एक नेता ने यही बात कही थी कि यह जो समस्या है, यह जो हिंसा है, यहां से उत्पन्न हो रही है, और इतनी बात कहनी थी कि वहां पूरे के पूरे शहर को जला दिया जाता है। भारतवर्ष में देखिए आप कि बैंगलोर के अंदर पहले हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया जाता है और उस पर एक रेफरेंस देते हुए एक लड़का एक फेसबुक पोस्ट करता है और उस पर पूरा बैंगलोर जला दिया जाता है। ये सारा का सारा सुनियोजित होता है, इसमें कुछ भी कोइंसिडेंटल नहीं है। ये नीचे से लेकर ऊपर तक सारे के सारे जो स्तंभ हैं, ये सारी की सारी जो संस्थाएं हैं जुड़ी हुई हैं। फिर इसके साथ ही साथ कुछ रिपोर्टर्स आ जाएंगे उसके ढकने के लिए। अभी दिल्ली वाले दंगे में हमने ये सारी चीजें खुल चुकी हैं, इसलिए सचिन भाई इस पर गौर करने की आवश्यकता है। यह सब कुछ सुनियोजित है और यह जो किताब है इसको बंद कराया जाना, इसको दबाव डाला जाना, और जो आपने कहा कि एक तरीके से इन्होंने जो जिहाद किया है इसके खिलाफ भी, यह सब कुछ सुनियोजित है ताकि सच, इनका सच सबके सामने ना आ पाए। तभी लिए महेश खान, एक प्रोटेस्ट टू मूवमेंट शाहीनबाग अलाउड हो जाती है जिसमें पूरा पोर्ट्रे कर दिया जाता है एनआरसी और सीए को लेकर के, जिससे हिंदुस्तान के मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है कि दंगे कैसे लेजिटिमेट थे, लेकिन जब सच्चाई सामने आने लगती है सच्चाई से डर लगता है और किताब को रुकवा दिया जाता है, लेकिन सच्चाई रुक तो नहीं सकती ना। क्या ये खुलासा हो जाता कि नहीं, दंगों का भी धर्म होता और इन दंगों का शायद धर्म था? अंकुर आचार्य, सचिन जी, अगर समय रहते जिन बुक्स के ऊपर बैन लगाया जाना चाहिए था, अगर उन बुक्स के ऊपर बैन लग जाता तो वाकई में ये जो पूरा का पूरा विश्व है इस आग में ना जल रहा होता। मैं आपको दो मिनट में अपनी एक छोटी सी कविता के माध्यम से सारी चीज़ों को स्पष्ट करना चाहूँगा कि बड़े बड़े इमाम बाड़े थे आपके यहाँ पर बैठ के कहते थे कि जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आएगा तो वो हमको सहर्ष स्वीकार होगा। वहीं से मैं इसकी स्टार्टिंग करना चाहता हूँ और बताऊँगा मैं आपको कि पूरा ये जो प्लानिंग है, पूरी उम्मत का कॉन्सेप्ट क्या है। टीवी पर आकर चिल्लाते थे कसम यही उठाएंगे, अगर कोर्ट ने कह दिया तो मंदिर वहीं बनाएंगे। बदले तेवर बदली वाणी टीवी पर ही धमकाने लगे, मंदिर तोड़ बनाएंगे मस्जिद उम्मा को समझाने लगे। अब्दुल द पंचर पुत्र कथा तुमको आज सुनाता हूँ, दिल्ली के जिहादी दंगों की पटकथा मैं आज आपको बताता हूँ। वैसे तो मिट्टी में खून है शामिल पर इंशा अल्लाह टुकड़े करते हैं, वैसे तो मिट्टी में खून है शामिल पर इंशा अल्लाह टुकड़े करते हैं, टुकड़ों पर जिंदा थे जो कभी हर गली में झगड़े करते हैं। कपड़ों से पहचाने जाते हैं एक जैसे ही नारे लगाते हैं, पुलिस को जिभा करते हैं जिंदों को खूब जलाते हैं, छतों को छावनी बनाते हैं विद्या के मंदिर जलाते हैं। धर्म देखकर लड़के लड़की सबको काट कर नाले में बहाते हैं। नेता मंत्री हो या पत्रकार सेल्फी सबके संग खिंचवाते हैं, गल्फ का पैसा पेट्रोल लेकर के देश को खूब जलाते हैं।